भारत में कोविड-19 वायरस के संक्रमितों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है। अब अमेरिकी अनुसंधान कार्यकर्ताओं ने भी माना है कि यह पद्धति संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए सबसे सुरक्षित है। उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित करने या फिर रद्द करने के लिए दायर याचिका पर आज विचार करने से इनकार कर दिया। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के गठित महाऊर्जा कार्यालय में कोविड-19 ने दस्तक दे दी है। यहां के 4 कर्मियों ने पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। कार्यालय के सभी कर्मियों को गुरुवार के टेस्ट का फैसला किया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख को लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। बताया जाता है कि रविवार की सुबह दोबारा निवास पर धमकी भरा फोन आया। उन्हें इस प्रकरण से दूर रहने और जान से मारने की धमकी दी गई। इन फोन कॉल के चलते देशमुख के बंगले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वैसे भी देशमुख राज्य के गृह मंत्री है और नियमानुसार उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान की जाती है। शिवसेना के विरोध में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पहुंच गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC ने उनके बांद्रा स्थित ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। BMC को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को 3 बजे से होगी। कंगना और शिवसेना के बीच जारी विवाद के बीच BMC की कार्रवाई को नई राजनीतिक नेता और गैर जिम्मेदार बताया। बम्बई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने नंदनून पुलिस थाने में दर्ज मामले में 7 स्टार हॉस्पिटल सहित अन्य पर अगले आदेश तक कड़ी कार्रवाई करने से मना कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस इस मामले में आगे की जांच करेगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा फ्री शिप का फॉर्म मंजूर नहीं किए जाने से इंजीनियरिंग विद्यार्थियों पर 3 वर्ष का शुल्क एक साथ भरने की नौबत आ गई। कॉलेजों ने फरमान जारी करा है कि अगर फीस नहीं भरी तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे, TC भी नहीं देंगे। हैरान परेशान विद्यार्थियों ने समाज कल्याण कार्यालय में प्रदर्शन किया। मनपा के क्षेत्र स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में मानधन पर कार्यरत परिचारिका व आशा वर्कर्स ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांग को लेकर सिविल लाइन्स स्थित मनपा मुख्यालय में धरना आंदोलन किया। नागपुर जिले में बुधवार को कोविड से सर्वाधिक 59 संक्रमितों की मौत हो गई है। एक ही दिन में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। जिले में मौत के बढ़ते आंकड़े घटने का नाम नहीं ले रहे। इसके पहले 3 बार 24 घंटों में 50 या उससे अधिक लोगों की जान एक ही दिन में जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के संबंधी महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून के अमल पर सत्र 2020-21 के लिए बुधवार को रोक लगा दी है, लेकिन स्पष्ट किया कि जिन लोगों को इसका लाभ मिल चुका है उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।